व्हाट्सअप गाइस, आपका वॉइस अगर बोरिंग है एंड एडिट करने के बाद भी आपका वॉइस शार्प एंड क्लियर नहीं हो रहा है, देन आप वॉइस रिकॉर्डिंग एंड एडिटिंग में बहुत सारा गलतियां करते हो जिससे आपका वॉइस और भी ज्यादा बोरिंग हो जाता है। लेकिन आप ये 3 स्टेप फॉलो करके अपने वॉइस को और भी ज्यादा नेक्स्ट लेवल कर सकते हो लाइक दिस आउटपुट। अभी जो आप वॉइस सुन रहे हो वो रिकॉर्ड हो रहा है लो बजट माइक बोया M1 से। आपके पास अगर महंगा माइक है देन आपको इससे भी बेटर आउटपुट मिल सकता है। अभी जो आप वॉइस सुन रहे हो वो रिकॉर्ड हो रहा है लो बजट माइक बोया M1 से। आपके पास अगर महंगा माइक है देन आपको इससे भी बेटर आउटपुट मिल सकता है। ऑफ कोर्स यहाँ पे बी वाला वॉइस ज्यादा बेटर है बिकॉज एक कंपैरिजन बी वाला वॉइस में ज्यादा शार्प एंड क्लियरिटी है। ओके लेट्स स्टार्ट। वॉइस को नेक्स्ट लेवल एंगेजिंग बनाने के लिए आप लोगों को ये 3 एप्स को यूज करना है, इनशॉट, कैपकट एंड लेक्सिस ऑडियो एडिटर। आप लोगों के माइंड में डाउट आ रहा है इनशॉट क्यों, क्योंकि इनशॉट तो वीडियो एडिटर एप्स है। सो आप लोगों को बता दूं इनशॉट से वॉइस ओवर बहुत ज्यादा क्रिप्स एंड क्लियर होता है, इसलिए मैं ज्यादातर वॉइस ओवर इनशॉट से करता हूं। एट फर्स्ट आप लोगों को इनशॉट पे ब्लैक बैकग्राउंड को ओपन कर लेना है बिकॉज यहाँ पे हम लोग करेंगे वॉइस ओवर। तो आप लोगों को ब्लैक बैकग्राउंड का लेंथ जितना भी चाहिए उतना रख देना। उसके बाद आप लोगों को म्यूजिक वाले ऑप्शन में एंड रिकॉर्ड ऑप्शन मिल जाएगा। सो यहाँ से आप लोगों को करना है वॉइस ओवर। इससे क्या होगा, आपका वॉइस का क्वालिटी और भी क्रिप्स एंड क्लियर होगा, ठीक है। अभी जो आप वॉइस सुन रहे हो वो रिकॉर्ड हो रहा है लो बजट माइक बोया M1 से। आपके पास अगर महंगा माइक है देन आपको इससे भी बेटर आउटपुट मिल सकता है। ओके, तो यहाँ पे वॉइस ओवर हो जाने के बाद एक्स्ट्रा पार्ट को हम लोग कर देंगे स्प्लिट और यहाँ से हम लोग कर देंगे सेव। तो ये बेसिकली एक वीडियो फॉर्मेट में सेव होगा MP4 में। तो इसको हम लोग एट फर्स्ट कैपकट में इम्पुट करेंगे। अभी जो आप वॉइस सुन रहे हो वो रिकॉर्ड हो रहा है लो बजट माइक बोया M1 से। आपके पास अगर महंगा माइक है देन आपको इससे भी बेटर आउटपुट मिल सकता है। एट फर्स्ट हम लोग एंडिंग पार्ट को डिलीट कर देंगे। इसके बाद रिड्यूस नॉइस को हम लोग कर देंगे ओपन। इसके बाद हम लोग आएंगे वॉइस इफेक्ट में। वॉइस इफेक्ट में आने के बाद आप लोगों को सबसे कॉर्नर में मिल जाएगा वॉइस फिल्टर। तो आप लोगों को वहां पे सिंपली टैप करना है, देन आप लोगों को मिल जाएगा माइक होक। तो आप लोगों को ए वाला फिल्टर को अप्लाई करना है। इसका ऊपर का एंड नीचे का अमाउंट रहेगा 5, सेम अमाउंट रहेगा, ठीक है। इससे जो आपका वॉइस है स्टूडियो टाइप हो जाएगा। तो आप लोग अप्लाई करके देखो। इसके बाद आप लोगों को वीडियो को सेव कर लेना है यहाँ से डायरेक्टली, ठीक है। वीडियो सेव हो जाने के बाद आप लोगों को ओपन करना है लेक्सिस ऑडियो और यहाँ पे सेम वाला वीडियो को ओपन कर लेंगे। देन हम लोग 3 डॉट में क्लिक करेंगे एंड इफेक्ट में आएंगे और नॉर्मलाइज पे अप्लाई कर देंगे। फिर से हम लोग 3 डॉट में आके इफेक्ट में आएंगे और नीचे आप लोगों को मिल जाएगा इक्वलाइजर। तो आप लोगों को ए वाला ऑप्शन में इस प्रकार का सेटिंग कर देना है। आप लोग इस पार्ट का स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हो। तो यही सेटिंग मैं अपने वॉइस में करता हूँ जिससे मेरा वॉइस क्रिप्स एंड क्लियर होता है। तो ये सेटिंग करते ही आपका वॉइस रेडी हो जाएगा। तो आप लोगों को सिंपली इसके बाद सेव कर देना है।